साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुले मंच से आगामी चुनाव में सरकार बनाने का दावा किया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की भीड़ को देख मंच पर मौजूद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गदगद नजर आए। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि आज भाजपा सरकार से हर वर्ग दुखी है। भाजपा ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए, उल्टा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाकर आम लोगों की कमर तोड़ दी। हुड्डा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है और जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। ये एक संकेत है, जिस तरह कार्यकर्ता आए और जिस जोश में थे, ये एक साफ संकेत है कि लोग मन बना चुके हैं कपिल गांधी की आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। इसके अलावा आपने 10 सवाल किए हैं आज खासकर गुरुग्राम के बारे में, आप प्रत्यक्ष को प्रमाणित जरूरत नहीं, जो गुरुग्राम गुड़गांव जो पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ शहर, बहुत तरक्की कर रहा था, रोजगार दे रहा था, आज जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। जो काम जहाँ छोड़ गए थे, मेट्रो छोड़ गया वहीं छोड़ गए, रैपिड हमने मेट्रो शुरू की थी वो कोई इसका कोई विस्तार नहीं हुआ, पॉड सिस्टम ला रहे थे वो उसका विस्तार नहीं हुआ, तो इतना मतलब लोगों को यातायात में इतनी दिक्कत हो रही है आवागमन में। उधर इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और साथ ही ईडी की पूछताछ को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। सर क्या कहेंगे, अगर कुछ नेताओं का पूर्व मंत्रियों का कांग्रेस में दम घुट रहा है, बयान दिया कैप्टन अजय सिंह यादव ने, मेरे को मालूम ही, मेरे आप उनसे पूछना। अच्छा सर, इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किस प्रकार का लोगों को आप आने वाले समय में क्या हो बताया ना हमने, ओल्ड एज पेंशन जो है बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए देंगे, गैस के सिलेंडर की 500 से ज्यादा कीमत नहीं होगी, और जो हमारे छोड़ गए थे मेट्रो का विस्तार होगा, फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो चलेगी जैसे हमने रोड बनाई थी, इस प्रकार से जो पॉड सिस्टम जो हम उन्होंने विफल कर दिया उसको वो करेंगे, और इसमें जो कूड़े के ढेर लगे हुए जगह जगह इसको सुंदर शहर बनाएंगे। हुड्डा साहब, ईडी बार बार आपको संबंधित का बुला रही है, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को भी संबंध दिया गया है। अरविंद केजरीवाल का सवाल नहीं, जहाँ तक सवाल है ईडी का और मेरा, भाई उनके सवाल है, जवाब देने तैयार है, मेरे को जुडिशरी में पूरा विश्वास है। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद महंगाई, बेरोजगारी और लगातार बढ़ते अपराध पर विशेष तौर पर काम किया जाएगा, जिसके तहत बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दी जाएगी। हुड्डा और उदय भान ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं से घर घर कांग्रेस अभियान में जुट जाने की अपील की, साथ ही ये भरोसा दिलाया कि आने वाले चुनाव में केंद्र और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।